सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। तो क्या हालचाल दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आयशा के बारे में, जिन्होंने हाल ही में अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर जाकर आत्महत्या कर ली। तो इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों उन्होंने आत्महत्या की। ऑल्सो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, ऑल्सो कॉल रिकॉर्डिंग भी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो होता कुछ ऐसा है कि जुलाई 2018 को आयशा ने राजस्थान के जालौर में आरिफ खान गुफुर जी से शादी कर ली, और शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। मतलब कि आयशा और उसके पति के बीच दहेज को लेकर और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। देन उसके बाद पिछले साल मार्च महीने से आयशा अपने पेरेंट्स के साथ अहमदाबाद में रहती थी। देन होता कुछ ऐसा है कि आयशा का जो पति है आरिफ खान गफूर जी, वो क्या करता था कि हर साल आयशा के जो पेरेंट्स है उनके घर पर आकर आयशा के पेरेंट्स के सामने दहेज मांगता था। इन शॉर्ट आयशा के पेरेंट्स को भी परेशान करता था। इसी बात को लेकर आयशा बहुत ही परेशान हो गई थी, मतलब कि डिप्रेशन में चली गई थी। और उसने करीब 2 दिन पहले अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर जाकर पहले एक वीडियो बनाई और वो वीडियो उसके पति को भेजी। देन उसके बाद आयशा ने अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करी, जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। एंड दी एंड आयशा ने आत्महत्या कर ली। तो ये थी पूरी होल स्टोरी ऑफ आयशा। तो चलिए अब वीडियो देख लेते हैं। हेलो, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड यार, कब तक लड़ेंगे अपनों से, कैश विड्रॉल कर दो, नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी, प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्ला से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाल ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ। तो चलिए अब सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। मैं मोंटू को भेजता हूँ। हेलो, सुनो। हाँ। मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना, बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं को मॉम बस हुआ, बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझे पानी में कूदना है। मैंने नहीं थी ना मॉम, बहुत बार बाबा की कसम, ऐसा काम मत। नहीं थी ना, कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी दीजिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मंडे जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं बढ़ने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं बढ़ना चाहती हूँ। बहुत हुआ, अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक है सुबह? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलने पापा कल जालौर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया पापा, लेट हो गया, लेट हो गया पापा, कल जा रहे हैं तो लेट हो गया उसको। बेटा तू शांति रख,
जी वो मैंने अब नहीं जीना, सोनो अब नहीं जीना बेटा, सोनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनेगी पहले, इसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे मैं जा रहा हूँ जा लो मेरे को खाली मेरी की ले, मेरी बात सुन ले बेटा, इतना तूने सुना ना मेरा, नहीं यार मैं तुमको तकलीफ दूँ, कब तक तकलीफ दूँ, अम्मा ऐसा रदी का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम तो मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ, ऐसा रदी का मुबारक नाम है तेरे को अम्मा, ऐसा रदी की कसम है तेरे को, तू घर आ बच गई तो ले जाना, घर आ गई तो डबल कर देना, तू मैं जागर जा रहा हूँ, नहीं पप्पा जागर जा रहा हूँ, कल कुछ भी कीमत सब सुलझा देता हूँ, बस तेरे को कलाम पार्टी का समय देख, अब बस पप्पा बस, तेरे को बोला ना तू घर आ जा बेटा, अब तुम्हें आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर ली जो जवाब थी वो मिल गए, नहीं बाबा अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा, बहुत हुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी, मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा, वो लोग मिल जाएंगे, कोई झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं, बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा, अब मैं थक गई हूँ, मैं मोन्टू को भेजता, मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ, कहाँ पर है तू, कौन सी जगह पर है बता रही, रेंट पे हूँ, तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा, पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी जिंदगी, सोल्यूशन है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा, मेरी बात सुन, तू वो बोलते केस नहीं किया तो मैं भी सोचता, हाँ तो मैं जा रहा हूँ, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा, वो नहीं आएगा फिर भी मेरी जिंदगी में, बाप भी आएगा नहीं आएगा, उसका बाप भी आएगा, एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन, मैंने बहुत भरोसा कर लिया, तू घर आ जा बस, एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले, तू कुरान शरीफ की कसम है, तू घर आ जा बेटा, अब नहीं आ रहा बेटा, समझती क्यों नहीं है, तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मार, सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा, फिर मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ, समझती नहीं कोई बात, कुतर को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है, चल घर आ जा, चल नीचे कहा, कौन सी जगह, मैं मोन्टू को भेजता हूँ गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को, बोल कौन सी जगह खड़ी है तू, रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ, कौन सी जगह, अपन एलिस ब्रिज के पास, हाँ है, हेलो हाँ पप्पा, हाँ तो तू वहाँ से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ, मैं आ रही हूँ, हाँ आ जा बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को, आ रही हूँ, हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल, कल जालौर जाता हूँ मैं, तो आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना, ऑल्सो आयशा के नाम से बहुत सारे आर्टिकल भी छपने स्टार्ट हो गए हैं, ऑल्सो ट्विटर पर हैशटैग आयशा करके टैग ट्रेंड भी कर रहा है, ऑल्सो आपने अभी तक अहमदाबाद रिवर फंड को नहीं देखा तो मेरा ये वाला व्लॉग देख लेना, आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगी, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने अहमदाबाद रिवर फ्रंट को पूरा एक्सप्लोर किया है, तो अगर आपका मन करता है तो जाके देख सकते हो, तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।